तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA San Andreas। तो जैसा कि आप सभी को याद होगा, हमारे दोस्त ट्रुथ से मिलने गए थे, और उसके बाद उसने हमारे को दोबारा से एक और काम बताया था कि मिलिट्री वहाँ पर से उसके प्रोजेक्ट ब्लास्ट गैंग ने ट्रेन पर लोड करवा दिए हैं और उसमें फेक मिलिट्री लगा दी है। तो हम उसके बाद वहाँ पर से वो सामान वापस से छुड़ा कर ले आए थे उसके पास। उसके बाद उसने हमें खुश होकर एक कार गिफ्ट करी थी जिसका नाम है क्वाड्रा। वो तो उसने प्रोजेक्ट के लिए दी थी। उसके बाद हम आ गए थे हमारे शहर में और हमने नया विला परचेज़ कर लिया था, क्योंकि यार पुराने मेंशन में तो बहुत ज़्यादा मतलब छोटा सा था। उसके बाद हम लेने यहाँ पर आए हुए थे हमारी मर्सिडीज जी क्लास। तो हमें जाना है अब वापस से हमारे नए विला पर देखने, वहाँ पर से हमारी क्वाड्रा कार चोरी तो नहीं होगी, वैसे हुई नहीं होगी। और हमने अपने बंदे को मतलब शोरूम के मालिक से बात हो गई थी कि हमारी दूसरी वाली ब्लैक कलर में जो कार हमने कही है उसे वो पहुंचा देगा। और ये वाली जी क्लास हमने ली थी। एक मिनट इसे पीछे निकाल लेते हैं। बारिश भी नहीं रुकी हुई और गेट नहीं बंद हुआ अब तक, और ये हो गया गेट। बच गए। शोरूम पर चलकर बात कर लेते हैं एक बार कि क्या हो रहा है। गलत निकाल दी मैंने, मुझे नीचे की साइड जाना था। रुको रुको रुको, एक तो एक गेट नहीं बंद हुआ। चलो खैर कोई नहीं, मैं निकला तो। अरे भाई कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। अब मैं निकलता हूँ, पहले मुझे जाना है सीधा, और इन्हें पता नहीं कैसे कैसे। चलते हैं फिलहाल नीचे की ओर। और ये बारिश पता नहीं क्यों रुके ही नहीं बिल्कुल भी दो तीन दिन से। और ये आराम आराम से नीचे उतारेंगे इसे पूरी, ये गेट भी ना एक सेकेंड इसे उतर कर पहले बंद करना पड़ेगा, वरना कहीं टूट टाट गया तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। अब बंद हुआ ना गेट, वरना खम्भा खा का हमारे और नुकसान हो जाता। वैसे ही दो तीन कार सामने ख़राब हो चुकी है हमारी, और शायद से आज हमारी लंबोनी और उस भी वापस आ चुकी है। वो बस हमें वहाँ पर से लेकर आनी है, उसे भी कल परसों में ले आएंगे। चलो फिलहाल कंपनी ने हमें दे तो दी है, अच्छी बात है और क्या। अब शोरूम पर जाना है हमें सबसे पहले मिलने कि क्या हो रहा है यार, उसका हमारी कार दूसरी आई कि नहीं। एक तो यार यहाँ पर बहुत सेफली ड्राइव करनी पड़ेगी ये कार, क्योंकि बहुत अच्छी लगी है यार, बिल्कुल मस्त। यहाँ पर भी अच्छी लग रही है चलाने में पूरी। और ये थोड़ा मैं इधर गलत आ गया, यहाँ पर से यहाँ जाना था हमें, और सीधा वहाँ पर से हमने गलत टर्न ले लिया था। एक तो यहाँ पे लोगों के पास सस्ती सस्ती सी कार्स हैं, और ये अपना पता नहीं कैसे चलाते रहते हैं, ठोक पीटते रहते हैं सबके पास। और ये हम शोरूम के पास पहुँच गए हैं। एक तो ये बारिश भी ना, और ये बार बार ओवरटेक करना पड़ता है यहाँ से अंदर। फिलहाल कार को अपने यहाँ पर लगाते हैं, अभी उससे बात करके आनी पड़ेगी यार। ये इसके पास कोई ढंग की कार आई हुई है क्या? ये तो सारी वही बेकार सी कचड़ा गाड़ी है बिल्कुल। वैसे ये कार कोई चोरी ना कर ले यहाँ पर से, वैसे इसकी भी तो शोरूम वाली की भी तो खड़ी है। ये तो यहाँ पर कभी होता ही नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई स्टाफ वगैरह होता ही नहीं है, मैं डायरेक्ट इसके गैराज में घुसा देता हूँ। चलो खैर कोई नहीं, इससे फ़ोन करके ही पूछना पड़ेगा। मैंने कहा भाई शोरूम बंद कर दे, हमें बेच दे, हम कर लेंगे इससे अच्छा काम। तो और यहाँ पर से चलो बाहर बाहर बाहर, इससे बात करनी होगी। ऊपर शायद से कोई बंदा होगा इसका। ये आवाज़ इतनी क्यों कर रही है ये कार, करनी तो चाहिए नहीं इसे। चलो भैया बात करके आता हूँ इससे, पहले कार को यहाँ पर लगाते हैं। बिल्कुल एज पे लगाई, देखो मैंने कार बिल्कुल, और ये नीचे को ठप। चलो खैर कोई नहीं, अब बात कर कर आते हैं। मेरी इस बंदे से बात हो गई है, और ये कह रहा है कि एक कार आई हुई है, आप देख लो उसे अगर आपको पसंद आती हो तो। और वो यहाँ पर ही साइड में खड़ी है कार, बिल्कुल ओके है। ये तो रॉयल सीरीज की फैंटम है शायद, मैं गलत नहीं हूँ, तो ये रॉयल सीरीज फैंटम है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये वही है या नहीं। चलो ये कार ठीक तो लग रही है यार, बस इसके ये अभी तो फिलहाल अंधेरा हो रहा है, तो फिर कल कोई देखेंगे इसे आकर। मैं सोच रहा हूँ इसे लेकर चला जाता हूँ,
और मर्सिडीज़ की हमारी डिलीवरी हो जाएगी तो ट्रक में, या फिर इसकी डिलीवरी करवा लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। हम इसकी कार डिलीवरी करवा लेते हैं हमारे नए मेंशन पर। और मैं इसे बता के आ जाता हूँ यार, बैठ के जो है। तो गाइस मैंने इसे कह दिया है कि हम इसे एक बार ट्राई करने के लिए लेकर जाएंगे। ये कह रहा है कि आपको इसकी 50% वैल्यू अभी देनी होगी, क्योंकि अगर आप इसे लेने नहीं आए या फिर कुछ भी होता है तो उसके बाद हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर आपने इसे तोड़ फोड़ दिया तब भी और नहीं तोड़ा तब भी, लेकिन आपको इसकी 50% वैल्यू देनी होगी, उसके बाद आपको ये कार ले लेंगे। मैंने कहा यार ठीक है, अब तुम भी अपना रखो यार, तुम्हारी भी बात सही है, हमारा भी नुकसान नहीं होना चाहिए तुम्हारा भी। तो मैंने यार इसे ट्रांसफ़र कर दिए इनके पैसे, अब ये कल पैसे तक खोजने जा रहा था। और ये कार पता नहीं एकदम से रास्ते में बंद पड़ गई, पता नहीं क्या हुआ इसमें एकदम से। बिल्कुल रास्ते में बिल्कुल सही चल रही थी और ये पता नहीं क्या हुआ इसमें अब। एक तो यार ये कार से भी ना, इसका इंजन देखना पड़ेगा पहले खोल कर। अब तो अब 5 मिनट लग ही जाएंगे शायद से। अब वैसे बस ठीक है यार ये भी। और वो देखो कितनी दूर जा रही है हमारी कार, रुक जा रुक जा रुक जा। अरे भाई 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 भाई, और ये शायद ऑन हो गई। वाह, धक्का खाकर ऑन हो गई क्या? ये भी सही है यार, चलो कोई नहीं, अब आगे से जो डेंट वगैरह आए होंगे वो ठीक करवा लेंगे। कोई नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, यहाँ पर से तो चलते हैं फिलहाल। ये किधर जाना है मुझे? इधर 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 इधर। और ये रुक जाओ, इसके तो पीट, इसे तो पीटना पड़ेगा। मतलब गाड़ी आ रही है और देख रहा है बंदा, लेकिन नहीं हमें रोकनी नहीं है कार। रुको अभी बाहर निकल के बताते हैं तुझे। ये तो वैसे ही मर गया, चलो खैर कोई नहीं। फालतू में जब गाड़ी ठोकेगा तो यही होगा यार, फालतू में इतना गुस्सा दिलवा रहा है फालतू में। एक तो वैसे ये कार में पता नहीं क्या इतना लोड ले रही है, कल तो परसों सही चल रही थी बिल्कुल, अब बिल्कुल बढ़िया चल रही है। वैसे हाँ थोड़ी सी पिकअप तो लेती हैं कार्स। और एयरपोर्ट से तो जा नहीं सकते यार, कार वगैरह का चक्कर पड़ेगा, तो हमें हाईवे पर ही, हाईवे तो नहीं पता नहीं क्या है, बेकार से रास्ते पर ही जाना पड़ेगा। वैसे रास्ता तो बढ़िया है, ऐसी कार के साथ चलने में मज़ा ही आएगा पूरा। बस ये दिक्कत है कि वन लेन, टू लेन होना चाहिए था कम से कम। फिर मेरे को ऐसा लग रहा है मैं गलत जा रहा हूँ, एक साइड रुक के पहले रास्ता देख लेता हूँ मैं। ज़्यादा लंबा शॉर्टकट तो ले लिया मैंने, अब कैसे कैसे जाऊँ मैं, समझ गया। ये वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा मुझे, लंबा पड़ जाएगा वरना। और ये यहाँ पर स्लिपरी ज़मीन थी थोड़ी सी, और आराम से निकालेंगे, कोई जल्दी नहीं है इतनी भी। थोड़ा सा और तेज़ी से निकल लेंगे और क्या होगा। और रास्ते में कोई खाने वगैरह के भी रुकने की जगह भी देखनी पड़ेगी यार, पूरी रात ड्राइविंग कर भी नहीं जा सकती। पूरी रात ड्राइविंग करके तो फिर और एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं। ये रास्ता भी शायद मेरे को लग रहा है गलत आ रहा हूँ, ऊपर नीचे जा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं शायद से रास्ता सही है, यहाँ पर मैं जब अपनी दूसरी कार कौन सी थी वो, जब मैं अपनी सफारी लेकर जा रहा था तो इसी रास्ते से गया था शायद। और ब्रेक बिल्कुल सही टाइम पे लगा देखो, मतलब उससे ठुकते ठुकते बचे। और यार उस टैक्सी वाले ने इसकी आगे दूसरी हेडलाइट फोड़ दी, चलो खैर ठीक करवा देंगे अब जाकर। बच गए बिल्कुल, साइड से बची। इसका इंजन इतनी आवाज़ क्यों कर रहा है यार, पता नहीं है क्या हो रहा है इसमें कार में। ये कट भी बढ़िया बढ़िया से हैं, अगर आगे से कोई कार आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। सही स्लिप लग रही है यार, मतलब मज़ा आ गया, मतलब कार से ठुकी नहीं, मतलब दूसरी कोई और कार होती तो वो शायद ठुक जाती, लेकिन ये नहीं ठुकी। अरे इसमें मेरी गलती थी, सॉरी ब्रो, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी भगा लिया था आगे।
मैंने देखा ही नहीं कि कोई है नहीं है आगे, बस अपना भगा ली पूरी तेजी से और चलते हैं यहाँ पर से थोड़ी सी तेजी करते हुए। आगे आ गया मैं तो, अब ये ट्रक पता नहीं किधर जाएगा, इधर जाएगा क्या, यू टर्न ही लेना पड़ेगा। स्लिप बहुत हो रही है यार ये थोड़ी सी, यही रास्ता है ना? हाँ रास्ता तो बिल्कुल सही है लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ गया फालतू में, और ये मैं नीचे देख रहा था और नीचे ही आ गया। बच गया बच गया बच गया बच गई बच गई बच गई बच गई, ऑलमोस्ट पानी में ही गई थी कार, मैं ध्यान कहीं और था और ये मतलब एकदम सही। चलो खैर ये तो कहीं अभी चढ़ जाएगी ऊपर, और चढ़ जाए भाई चढ़ जाए। बारिश की वजह से यहाँ पर स्लिप हो गया बहुत कार, यहाँ से अच्छा आगे से चलते हैं ना धीरे धीरे। एक तो कोहरा भी वैसे ही हो रहा है कि कुछ दिख नहीं रहा है, और हम फाइनली रोड पर आएंगे। और ये यहाँ पर नीचे से पहुँचेंगे, और ये खैर चलो कुछ कहते नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था और वो एक्सीडेंट होते होते रह गया हमारा, वरना अच्छा खासा नुकसान हो जाता अभी। अभी तो बुगाटी और लंबोर्नियरस का भी, लंबोर्नियरस तो खैर वापस आ गई, बुगाटी हमने खुद ही बेची थी, लेकिन बेची थी एक सेकेंड यहाँ पर कुछ अजीब सा था, यहाँ पर देख के आते हैं क्या है ये। देखो 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 यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, अच्छा है मॉन्स्टर ट्रक है यहाँ पर एक का, यहाँ से तो चलते हैं फिलहाल हमें क्या करना। और ये ट्रक बाहर के बाहर, चलो यहाँ पर से यहाँ पर और ये बीच में रुक के क्या कर रहा है? अच्छा है ट्रैफिक सिग्नल था क्या, हम तो फॉलो नहीं करते। और ये एक और सिग्नल तोड़ ही दिया हमने, सिग्नल ही तोड़ रहे हैं मतलब, एक तरह से भी अंधेरा इतना हो रहा है ना अभी रात को, और ये बारिश रुकने का नाम ही ले रही है। अभी रुक जाओ यहाँ पर, रुकने का इंतज़ाम करना पड़ेगा पहले, ये बहुत थकावट हो रही है, पता नहीं कहाँ पर है यहाँ पर रेस्टरूम कहाँ पर है, मिलेंगे यहाँ पर है क्या, यहाँ पर कपड़ों का मार्केट है। चलो कपड़े भी देख लेते हैं यार कुछ, मतलब इतनी बढ़िया कार है हमारे पास तो बढ़िया कपड़े भी होने चाहिए। इधर ही तो है शायद, मैं अपने तो यहीं दिखा रहा है। अच्छा पीछे है क्या, कहाँ पर है पीछे भी हम आ गए, पता नहीं कहाँ पर दिखा रहा है ये मैप। ये यहाँ पर होगा शायद से, इधर की साइड है, उधर की साइड भी गेट बना देते यार, यहाँ पर खड़ी कर देते हैं कार को और अंदर चलते हैं। और ये तलवार अंदर रखना पड़े, पिस्तौल लेके जाएंगे। यहाँ पर तो मैं पिछली बार भी आया था, बढ़िया कपड़े नहीं थे यहाँ पर। दूसरी साइड चलते हैं, इसी दूसरी शॉप पे गया था मैं, और एक सेकंड कार चोरी हो गई। अरे बाप रे ये क्या हुआ, यहाँ पर से कार चोरी हो गई एकदम, कौन चोर की इतनी हिम्मत की हमारी कार चोरी करे। शिट शायद पुलिस वालों ने उठा लियो, हाँ नो पार्किंग थी यहाँ पर, टो होने के निशान तो हैं। अरे यार ये पुलिस वालों से हमारा अलग पंगा हो रहा है अब, खैर अब क्या करें जो है देखा जाएगा। अभी पहले दूसरी यूनिफॉर्म भी देख लेते हैं यार, पहले ये क्या बढ़िया जैसा लग रहा है कुछ, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। मतलब यार पुलिस वालों ने हमारी कार ही चोरी कर ली बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ये ठीक लग रही है क्या? चलो फिलहाल यही ले लेते हैं जल्दी से। अरे यार पुलिस वालों को भी पैसे दे के छोड़ बनाना पड़ेगा अपनी कार को। ऊपर क्या पहने, ये पहन लेते हैं, नीचे भी ब्लैक पहन लेते हैं, चलो सूट सा पकड़ के। लेकिन यार इसमें वेटर वोटर, चलो खैर कोई नहीं बाद में देखेंगे। ट्राउजर्स चेंज कर लेता हूँ मैं वापस से, और ब्लैक है क्या, ब्लैक
ये वाली कैसी लगेगी? बिल्कुल बढ़िया सूट लग रहा है। चलो फटाफट चलते हैं पुलिस स्टेशन से, हमारे को कार भी उठानी पड़ेगी। ये अच्छा पंगा रख गया यार, अभी लॉस सैंटोस में मतलब आए भी नहीं हम, और वापस से पुलिस से पंगे। अभी दो तीन दिन पहले ही तो पंगे ख़त्म करके आए थे। चलो खैर, इस बार चुपचाप से हमारा फ़ाइन भर देंगे, क्योंकि यार पुलिस से पंगे लेना तो गलत है। अभी तो हम छुट के आए थे, और अब मेरे को यहाँ पर कार चाहिएगी कोई। ये कौन सी कार लेकर जाऊँ? वहाँ पर पीछे खड़ी है, गए थे ये वाली ले जाते हैं फटफटिया सी। टू सीटर कार है और हमारी नहीं है, सबसे बड़ी बात। चल बाहर निकल, हट जा भाई, हट जा हट जा, निकालनी भी बड़ी मुश्किल। अरे ठोको ना, हमारे क्या कार है ये? हमारी कार तो चोरी हो गई। रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ जाना है? एक सेकेंड, ये हमारी क्वाड्रा थी क्या? नहीं, हमारी तो ब्लैक कलर में थी शायद। नहीं, हमारी तो दूसरे कलर में थी, ब्लू कलर हो गया था वापस। लेकिन अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये मुझे बीच साइड थोड़ी जाना था। ये कार इतनी तेज कैसे चल रही है? मतलब हमारी मर्सिडीज तो इतनी तेज में चल रही थी, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। उन्होंने पुलिस वालों के चक्कर में यार हमारी कार मतलब उठा के ले गए बिना बताए, नोटिस तो छोड़ दे कुछ। अगर पुलिस वालों के पास नहीं हुई तो फिर कहाँ होगी यार हमारी कार? अभी तो ली थी यार, शेट यार, अभी तो मर्सिडीज ली है हमने इतनी मुश्किल से। और हट जाओ भाई, हट जाओ हट जाओ, मेरे को गुस्सा वैसे ही आ रहा है, हट जाओ। और ये बंदा साइकिल वाले की क्या गलती है? चलो ये तो बेचारा खुद ही अपना साइकिलिंग कर रहा है चुपचाप से, थोड़ी था वहाँ पर कार वगैरह वाले तो होंगे भी शायद से, पता नहीं यार क्या है, हो गया हमारी लाइफ में ये क्या है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या ड्रामेबाजी हो रही है। एक मिनट को भी खड़ी नहीं हुई थी मतलब कार हमारी, यहाँ पर ही हुई हमारी कार, और क्या हो सकती है? अगर अंदर हुई तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, देखना पड़ेगा चुपचाप से जाकर। अब यहाँ पर अंदर घुसने के लिए ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकता मैं, इधर से नहीं जाते, पहले कहीं और से देख कर आते हैं। यहाँ से देखते हैं पहले कि हमारी कार अंदर है कि नहीं, यहाँ पर से आगे यू टर्न लेके। अरे भाई ये कार भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, मतलब पूरी पुलिस वाले से ठुकते अभी हम इस कार को, यहीं ठोक छोड़ते हैं मतलब ठोकते हैं गेरा। यहाँ पर से चढ़ कर देखते हैं। अरे यार ये एक तो रास्ता भी इल्यूजन वाला है पूरा। यहाँ पर अगर कोई बाइक खड़ी हो तो बाइक से एकदम अंदर घुसेंगे और हमारी कार उठा लाएंगे। यहाँ पर तो कोई बाइक ही नहीं है पर कार है। चलो कार से क्या, अरे ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बिल्कुल भी। यहाँ पर सीढ़ियाँ भी हैं, सीटों पर ऊपर कैसे जाएंगे? वैसे यहाँ पर से कुछ नज़र तो आएगा नहीं, पुलिस स्टेशन उधर की साइड है। पार्किंग तो खाली सी लग रही है शायद, यहाँ पर दीवार के बिल्कुल यहीं पर होगी वो कार। चलो फिलहाल नीचे चलते हैं। तो गाइस मुझे लगता है पुलिस वालों को पता लग गया है, यहाँ पर फायरिंग तो हो रही है, पर कोई नहीं हम यहाँ पर से हैं। ये देखो ये हमारे यहाँ पर पहले ही खड़ा है, इसे मतलब पता है कि हम अपनी कार लेने वापस आएंगे। आओ भागें से, अरे इनसे ज़्यादा पंगे नहीं लेते, हमें अभी फ़िलहाल हमारे घर पर जाना है। हमें अपनी कार दे दो चुपचाप, अपनी मतलब हमारी कार दे दो चुपचाप, हम चले जाएंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा। उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया होगा इस कार में, मतलब सबसे पहले तो इसका GPS हटवाने चलते हैं, क्या पता इन्होंने GPS वगैरह लगा दिया हो। इनका कुछ भरोसा नहीं है पुलिस का, रिपेयर भी हो जाएगी कार और GPS भी हट जाएगा। अब ये GPS की शॉप कहाँ पर है मेरे को देखना पड़ेगा रुक कर। एक उन्होंने मतलब कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर ही दी है कार से, गली से चलते हैं। एक सेकेंड, गली तक बंद है, शिट 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 शिट। यहाँ पर से निकलो निकलो निकलो, ये कहाँ पर? हाँ यहाँ पर से रास्ता है,
ग्रूव स्ट्रीट जाने का। और हमारी कार आ गई क्या? नहीं, हमारी कार अभी नहीं आई होगी जहाँ तक है। मैंने उसे दूसरे कलर में कहा तो है, अब रेड कलर में अगर हो सके तो पॉसिबल तो भेज देना, पर पता नहीं वो कौन से कलर में भेजेगा, वो तो चलो बाद की बात है। अभी फ़िलहाल GPS रिमूव करवाना है हमें इस कार में से, और थोड़ी बहुत रिपेयर भी करवाना है डेंट्स सारे। और ये कहाँ पर है? तो आ गए, अगर हम पहुँच गए, इसको कलर भी करवा लेते हैं। वैसे तो मुझे वाइट ही रखनी थी, थोड़े दिन बाद दोबारा करवा लेंगे वाइट। अच्छा, ये वो ग्रे कलर हो गया था, अब हमने दोबारा वाइट से करवा लिया है। दोनों ही कलर बढ़िया लग रहे थे, खैर आराम से लेकर चलते हैं। तो गाइस चलो अब चलते हैं, फिलहाल इससे पहले थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं, कल से ड्राइव कर रहे हैं बस, कुछ खा पिया तो है नहीं। और यहाँ पर से भी चोरी नहीं होनी चाहिए, बस इनकी ऐसी भी कोशिश करनी तो है पुलिस वालों की, लेकिन यार मैं इनको बंद नहीं लेना चाह रहा। और ये उतनी ही पुलिस मतलब हमारी कार में पूरी अच्छी तरीके से ठोक दिया इसने, पागल ने, बेवकूफ़ इंसान। अब किसी को मार भी नहीं रहा है, हम तो यहाँ पर खड़ी कर देते हैं साइड में कार, बिल्कुल आगे कोई उठा के नहीं ले जा सकता। पानी तो पागल बना रखा है पुलिस वालों ने भी हमारा, जल्दी से पिज़्ज़ा दे दे चुपचाप, या फिर सलाद वगैरह जो भी है फटाफट, डीलक्स वगैरह फुल रैक दे दे फटाफट। चल ठीक है भागे से, हाँ बढ़िया था, चल ठीक है भाग यहाँ से, हमारा दिमाग वैसे ही ख़राब हो रहा है। अगर कार चोरी हुई तो तू पिटेगा, चल तेरी किस्मत अच्छी थी हमारी कार चोरी नहीं हुई। और यहाँ पर से अब हम चलते हैं हमारी कार की तरफ, कार ग्राउंड विला की तरफ, ब्राइटवुड हिल्स। और ये आराम से चलेंगे बिल्कुल। एक तो इसकी स्लिपिंग की आवाज़ कितनी है यार ये कार की, थोड़ी सी। चलो घर कोई नहीं, आराम से कट लेते हैं। अब हमें बिल्कुल सीधा सीधा जाना है पहले। और ये कार वाला पिटेगा क्या? मतलब बिल्कुल बीचों बीच से एकदम कट मार रहा है, ये भी ऐसे ही कर रहे हैं सारे के सारे। मुझे इधर जाना है फिलहाल, तो आराम से उधर को ही होके चलेंगे ना, नहीं थोड़ी बीचों बीच। सॉरी ब्रो, इसमें मेरी गलती थी। और यहाँ पर भी, पर फिर भी इन्हें पीछे से हॉर्न देते लाना चाहिए ना, वैसे तो यहाँ पूरे टाइम हॉर्न बजाते रहते हैं। और ये देखो पीछे पीछे से लेन क्या चेंज कर रहा है भाई, ये आगे तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर से हमें लेफ्ट भी लेना है, आगे से ये क्या रास्ता हमारा है, आगे से लेफ्ट, लेफ्ट लेकर मतलब यू टर्न लेना है एक तरह से। और हमें जाना है इस तरफ, हाईवे पे चले गए थे हम, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हमारे घर की तरफ। ये क्या है, चलो आ गया वाइनवुड फिलहाल तो। और यहाँ पर से निकलते हैं, और शायद से हमारा ट्रक भी आ चुका होगा, ट्रेलर, दो कार लेकर, दो नहीं तो एक तो लेकर आ ही गया होगा हमारे विला पर। और ये हमारा ट्रेलर भी शायद आ चुका है, और ये हमें सैल्यूट मार रहा है हमारा बंदा। और ये ट्रेलर तो इन्होंने अंदर ही लगवा दिया, शायद बाहर जगह नहीं होगी ना। और ये आ गई हमारी रॉयल्स रेस, मैं सोच रहा हूँ इसकी फुल पेमेंट कर ही देते हैं। और ये रही हमारी क्वाड्रा, इन्होंने शायद आगे लगवा दी होगी। और वो हमने एक और मर्सिडीज़ भी तो मंगवाई थी जी क्लास, शायद वो नीचे दूसरी जगह से, दूसरे ट्रेलर से आ रही होगी। इसका ड्राइवर कहाँ है? चलो खैर ये वाली कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो इससे ही काम चलाते हैं, इसको यहाँ लगाते हैं हमारी कार को। और हमारे ट्रेलर से पहले उसे नीचे उतारते हैं, और सबसे पहले उससे बात करते हैं कि वो कहाँ पर है हमारी जी क्लास।
और ये ट्रक का ड्राइवर ही नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले तो हमें इसे नीचे करना होगा रैंप को, और गेट भी खुला पड़ा है उसका शायद। उतारे वहीं अभी से भी, कैसे उतारेंगे यार, कुछ जुगाड़ तो गाड़ तो है नहीं। रैंप तो हमने खोल दिया है, इस पर चढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है क्या? शिट, अब ऊपर से कार को नीचे कैसे लाएं? ये भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर साइड में जगह छोड़ तो रखी है, यहाँ पर धीरे धीरे से चलकर फिर गेट खुलेगा शायद। हाँ ऐसे ही। अरे रे रे, आराम से उतारनी पड़ेगी बिल्कुल। और ये गेट क्यों नहीं बंद रहा? ये गेट ही नहीं बंद रहा, और ये इसमें लगेगा ज़रूर जहाँ तक। गेट बंद करना पड़ेगा, गेट बंद हो गए हमारी। चलो आराम से बिल्कुल, ज़मीन में हल्की सी लगेगी जहाँ तक है। चलो 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 चलो, यहाँ पर से तो निकल गई। चलो अब इसे आगे लगा कर आ जाते हैं। फिलहाल इसे यहाँ पर भी नहीं छोड़ सकते, वरना ये ट्रक वगैरह पता लगा है यहाँ पर से निकला और इसने एसी में मार दी। और बिल्कुल सही टाइम पर हम अंदर ले। और ये पुलिस वाला करना क्या चाहता है? मतलब बिल्कुल हमारे पीछे पीछे ले आया कार अभी बिल्कुल। ऐसे तो हमारी कार उसको ख़राब करता जाएगा। क्वाड्रा भी हमारी बच गई। चलो इसे कहाँ पर लगाएं अभी फ़िलहाल? चलो पीछे लगा देते हैं। और जो ट्रक खड़ा है, वैसे इन्होंने सही लगा दी क्वाड्रा हमारे बंदों ने। और ये शायद ये ट्रक लगाते हुए अंदर इनसे ये पोल टूट गए होंगे। चलो खैर कोई नहीं, अब गलती तो होगी, इतना बड़ा ट्रेलर इतने छोटे घर में लाएंगे तो यही होगा। चलो फिर हमारी वो मर्सिडीज़ कहाँ है? बात करनी पड़ेगी इससे, हमारे बंदे से ही पता लगेगा जहाँ तक है। और वो कहाँ पर है इसे पता होगा भोंदू को, हमारी मर्सिडीज़ कहाँ है? तो गाइस मेरी इससे बात हो चुकी है। वो कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारी मर्सिडीज़ जो है वो आ गई है, लेकिन उसमें थोड़ी सी इंजन में प्रॉब्लम आई थी जब हम टेस्टिंग कर रहे थे। तो अभी लॉस सैंटोस में मतलब कस्टम शॉप पर खड़ी है, उसे कल को हम ले आएंगे और यहीं पर खड़ी मिल जाएगी। तो अब फ़िलहाल उसका इंतज़ार करेंगे। वैसे फ़िलहाल तीन कार्स हमारी हो चुकी है, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया। और ये ट्रेलर अभी वापस चला जाएगा जिसका है, अपने आप ले जाएगा। और ये तो इनकी हमारे दोस्तों की कार है, मतलब दोस्तों की नहीं, इन्हीं की जो हमारे बॉडीगार्ड वगैरह हैं। और वहाँ पीछे हमारी एक कार खड़ी है, वो भी हमारा रेसर दोस्त है। और बाकी दो कार पीछे एक किराएदार रहता है उसकी, है वो लिमोजिन, नहीं वो लिमोजिन पता नहीं, उसके कोई गेस्ट आया हुआ होगा शायद से। लिमोजिन तो हम भी ख़रीदेंगे अभी दो तीन दिन में, सोच तो रहा हूँ मैं। तो वीडियो को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।